अस्सलाम वालेकुम असलकुम हेलो दोस्तों मैं जुलेखा अरफात जुलेखा किचन डॉट कॉम से तो चलिए आज हम बनाते हैं एक बेहतरीन और मज़ेदार सी डिश जिसका नाम है क्रीमी मलाई चिकन टंगड़ी कबाब आप इसे क्रीमी मलाई चिकन लेग पीस भी कह सकते हो पर सबसे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और बराबर में जो बेल आइकन है इसे भी ज़रूर क्लिक कीजिए ऐसा करने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले देखने मिलेगी वो भी फ्री में और रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा ये दो पूरी साबुत टांग है तकरीबन छः सौ साढ़े छः सौ ग्राम है ये आप चाहें तो चिकन बोनलेस भी ले सकते हैं या आप चाहें तो चिकन के ड्रम स्टिक्स भी ले सकते हैं अच्छा इन दोनों को मैंने अच्छे से दो तीन पानी से धो लिया और चर्बी सारी निकाल ली अब आगे पीछे इस तरीके से मैं स्लिट मार लेती हूँ साइड्स पर भी और टांग के ऊपर भी तीन तीन चार चार चलिए दूसरी लेग पीस में भी मैं स्लिट्स मार देती हूँ अगर आप बोनलेस ले रहे हैं तो मीडियम पीसेस कीजिएगा और उसमें भी आगे पीछे एक एक दो दो स्लिप मारिएगा चलिए अब इन्हें मैं छान कर दो पाँच मिनट साइड पर रख देती हूँ आप चाहें तो इन्हें पैड ड्राइव भी कर सकते हैं अब इसमें हैं हम फर्स्ट मैरिनेशन कर रहे हैं पहले मैरिनेशन के लिए एक छोटे से बाउल के अंदर आधा छोटा चाका चम्मच काली मिर्चों का पाउडर डालिए एक टेबल स्पून नींबू का रस डालिए और एक टेबल स्पून अदरक लहसन का पेस्ट डालिए नमक स्वाद अनुसार डालिए क्योंकि हम ये चिकन के ऊपर लगाने वाले हैं इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लीजिए बहुत अच्छे से अब इन्हें हाथों की मदद से चिकन के ऊपर बहुत अच्छे से लगाइए और रब कीजिए स्लिट्स के अंदर आगे पीछे सब जगह पर इन्हें रब कीजिए लगाकर और इन्हें साइड पर आधे घंटे के लिए रख दीजिए चलिए ये तकरीबन तीन हरी मिर्चियाँ हैं ये समझिए ना पंद्रह काजू हैं और ये एक मुट्ठी कोथमिर है ये तीनों को मैं पीस लेती हूँ थोड़ा सा पानी डालकर साइड बाई साइड जो चिकन साइड पर हमारी मेरीनेट हो रही है इसके लिए हम ये दूसरी प्रिपेरेशन कर लेते हैं चलिए ये मैंने सारा पीस लिया इसे साइड पर रख देती हूँ अब मैरिनेट होके आधा घंटा हो चुका है तो दूसरा मैरिनेशन कर लेते हैं दही डाल दीजिए वही चिकन के अंदर तकरीबन 100 ग्राम दैट इज आधा कप और ये जो हमने मिक्सचर बना के रखा है हरी मिर्ची और कोथमीर वाला ये भी सारा डाल दीजिए आधा छोटा चम्मच चाट मसाला और नमक स्वाद अनुसार डालकर बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए इसके साथ साथ डालिए एक टेबल स्पून नींबू का रस मुझे थोड़ा नमक फिर से कम लग रहा है मैं थोड़ा नमक और दा, ज्यादा डाल रही हूँ आधा छोटा छोटा चम्मच काली मिर्चों का पाउडर और ये सारी चीजों को मिक्स करके इन्हें मैरिनेट करने जितने समय आपके पास हो उतने समय के लिए रख दीजिए एक घंटा आधा घंटा या तकरीबन ओवर के लिए कुछ घंटा मैरिनेट कर रहे हैं तो आप ढाक कर बाहर भी रख सकते हैं अगर आप ओवर कर रहे हैं तो फ्रिज में रखिएगा चलिए दो घंटे के बाद फ्राई पैन को गर्म कीजिए फास्ट ट्रांस पर थोड़ा सा तेल डालिए और एक से दो टेबल जितना मक्खन डाल दीजिए बटर मस्का अच्छा ये मस्का जो है मक्खन मैंने तकरीबन तकर फोर्थ कप साइड पर रखा है उसमें से ही निकाल कर डाल रही हूं और ये जो अब हमने चिकन मैरिनेट करके रखी थी ये दोनों डाल फ्राई पैन के अंदर चूल्हा फास्ट ही रखिए और थोड़ा सा ये मैरिनेशन डाल दीजिए इसके ऊपर तकरीबन इसे फास्ट आँच पर तीन चार मिनट पकने दीजिए पीछे की साइड अब इसे पलट दीजिए और वो वो साइड पे भी तीन चार मिनट पकने दीजिए अच्छा अब जो मैरिनेशन जो सारा बाकी का बचा है वो भी डाल दीजिए इसके अंदर चलिए पीछे की साइड भी तीन चार मिनट हो चुके हैं मैं फिर से पलट देती हूँ और इन्हें मैं स्लो आँच कर कर ढाक कर पकने रख देती हूँ तकरीबन दस बारह मिनट तक के लिए चलिए तकरीबन 12 से 13 मिनट हो चुके हैं मैं चिकन को पलट देती हूँ आप देख सकते हैं चिकन का उस साइड का हो चुका है अब मैं पीछे का साइड पका लेती हूँ अच्छा अब मैं क्या करती हूँ चूल्हे को कर देती हूँ मीडियम आँच और ढाक कर इसे पकने रख देती हो जब तक थोड़ा बहुत ये पानी नहीं सूख जाता आप चाहें तो खुला भी रख सकते हैं ये देखिए बीच में मैंने फिर से इसे खोल लिया अब आप चाहें तो मीडियम आंच पर पका लें या आप चाहें तो फास्ट आंच पर पकाएं और उलट पलट इन्हें करते जाएं और पूरी तरीके से ये जो पानी बचा हुआ या जो ग्रेवी कह रहे हैं वो बचा हुआ है वो सारा सुखा लें उलट पलट करते हुए चिकन को तो इसमें क्या चिकन गल भी जाएगी और सारा मसाला इसको चिटक जाएगा छुरी को इस कदर आप अंदर डालेंगे तो ये देखिए एकदम आसानी से चले जाए इसका मतलब चिकन हो चुकी है मेरी तो हो चुकी है बस अभी इसे मैं ड्राई आउट कर लेती हूँ फास्ट आंच पर भी कर सकते हैं आप इसे ड्राई आउट चिकन बहुत अच्छे से हो चुकी है चूल्हा बंद कर देती हूँ आप देख सकते हैं थोड़ा तेल और मक्खन रह गया है तो अब मैं क्या कर रही हूँ ग्रिलिंग प्लेट के ऊपर वही तेल और मक्खन जो बचा हुआ है उसके ऊपर लगाकर ये चिकन रख रही हूँ और इसे ग्रिल कर रही हूँ ऊपर नीचे बार बार इसे मैं ये जो बचा हुआ लेफ्ट ओवर जो मक्खन और तेल है उसको ऊपर और आगे पीछे लगाते हुए इसे अच्छे से ग्रिल कर लेती हूँ उलट पलट करते जाए जब डार्क स्पॉट्स आ जाए तो निकाल लें इसी तरीके से मैं दोनों को ग्रिल कर लेती हूँ सो दैट स्मोकी फ्लेवर आए और और ज्यादा टेस्ट आए और बेहतर फ्लेवर लगे हमारी चिकन का चलिए दोनों चिकनों को मैंने इसी तरीके से ग्रिल कर लिया है देखिए वही फ्राई पैन के अंदर वन फोर्थ कप जितना मक्खन डालिए वैसे ये वन फोर्थ कप में से मैंने प्रीवियसली दो टेबल स्पून निकाल लिया था जैसे मैंने आपसे कहा था मक्खन मेल्ट हो जाए तो डाल दीजिए 180 एट्टी टू टू हंड्रेड फ्रेश क्रीम वैसे ये पैकेट की बाज़ार की आप चाहें तो घर की भी डाल सकते हैं उसे बहुत अच्छे से फेट लीजिएगा और फिर डाल दीजिएगा अगर आप घर की ले रहे हैं तो अच्छा अब आप इसमें डाल दीजिए थोड़ा सा नमक और अब मैं थोड़ा सा चुटकी भर काली मिर्चों का पाउडर भी डाल देती हूँ फ्लेवर के लिए मिक्स कीजिए वैसे साइड पर मैंने दो हरी मिर्चियों को मोटा मोटा काट कर रखा है उसमें से आधी डाल देती हूँ उसे मिक्स कर लीजिए मैंने आधी शिमला मिर्च को मीडियम साइज़ काटा है अब मैं वो थोड़ी डाल देती हूँ बीच बीच में थोड़ी थोड़ी डालती रहूँगी अच्छा अब मैं डाल देती हूँ चिकन को शिमला मिर्च डालने के बाद दोनों चिकन के पीसेस डाल दीजिए और इन्हें अच्छे से कोट कीजिए ये क्रीमी ग्रेवी के अंदर अब आपको जब कोट हो जाती है तो ये कितना आपने ये जो रखना है ग्रेवी वो आपके ऊपर है आप चाहें तो इसी समय कोट करके बंद कर दीजिए आप चाहें तो फुली ड्राई आउट कर सकते हैं और आप चाहें तो थोड़ी लगी हुई भिजभिजी भीज़ टाइप होती है वैसा रख सकते हैं ये टोटली आपके ऊपर है मैं बार बार इसे चलाते जा रही हूँ उलट पलट करते जा रही हूँ मिक्स हो जाए बराबर से बीच बीच में हरी मिर्चियाँ और ये जो शिमला मिर्च है वो भी डालते जा रही हूँ चूल्हे को मैं कर दी हूँ स्लो आँच अभी अब तो आपने देखा मैंने कितने हद हाँ तक इसे ड्राई आउट कर लिया ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड है मैं अभी इसे तकरीबन ये थोड़ी बहुत ड्राई आउट हो गई है मैं इसका चूल्हा बंद कर देती हूँ और इसे कर देती हूँ ट्रांसफ़र प्लेट के अंदर तो थोड़ी सी मीडियम थिक ग्रेवी मुझे मिली ना इसमें चलिए अब ये गर्मा गर्म क्रीमी चिकन लेग पीसेस को सर्विंग प्लेट में डालिए इसके ऊपर थोड़ी सी जो थिक ग्रेवी है शिमला मिर्च और हरी मिर्चों वाली क्रीमी वो डाल दीजिए अब प्याज को रखिए प्याज के ऊपर थोड़ी सी नमक और काली मिर्ची और लाल मिर्ची का पाउडर डालिए थोड़ी सी जो टांग के ऊपर आप चाहें तो काली मिर्ची डाल सकते हैं थोड़ी सी चाट मसाला भी टांग के ऊपर आप डाल सकते हैं और गर्मा गर्म इन्हें सर्व कीजिए एक दो पॉइंट शेयर करनी थी हरी मिर्चें अपने स्वाद अनुसार डालें और शिमला मिर्च वैसे तो टेस्ट बड़ा अच्छा आता है आपने नहीं डालना है तो कोई बात नहीं मत डालिएगा आप चाहें तो चिकन बोनलेस भी ले सकते हैं सारा प्रोसीजर सेम ही रहेगा अच्छा मक्खन के अंदर बटर के अंदर मैंने हरी मिर्ची और शिमला मिर्च को फ्राई नहीं किया था आप चाहें तो एक मिनट तक उन्हें पहले फ्राई करने के बाद फिर क्रीम डालें क्रीम की कंसिस्टेंसी आपके ऊपर डिपेंड है आप चाहे तो थिक रख सकते हैं आप चाहे तो ड्राई आउट कर सकते हैं ऐसे रमजान की खूब सारी रेसिपीज मैंने अपडेट की है पहले भी की हैं उसका मैं प्लेलिस्ट पूरा आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देती हूँ आप वहाँ चेक कर सकते हैं अगर मेरी रेसिपी बनाए तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिए टेक केयर अल्लाह हाफिज